हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ये एक डेमो सेशन है रिगार्डिंग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इससे पहले जो डेमो सेशन हुआ था उसमें हमने बुद्धिज़्म कंप्लीट किया था, और इस डेमो सेशन में हम जैनिज़्म स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसे हम कंप्लीट करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा न्यू बैच है वह 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहें तो उसे इनरोल कर सकते हैं। This is about me. My name is Yashna. और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग डेमो क्लास या रिगार्डिंग कोर्स, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन करके डेमो क्लास के रिगार्डिंग या फिर कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे पहले की जो डेमो क्लास थी उसमें हमने बुद्धिज़्म किया था, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने देखी थी कि क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स आए थे। जैसे पॉलिटिकल क्या फैक्टर थे, इकोनॉमिक क्या फैक्टर थे, एंड रिलीजियस क्या फैक्टर थे। जिसकी वजह से हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स जो थे वो इमर्ज्ड हुए। ठीक है, उसके बाद हमने बुद्धा से रिलेटेड उनके लाइफ इवेंट्स देखे थे, जो इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स थे बुद्धा के लाइफ में, जैसे बर्थ, ग्रेट डिपार्चर, जब एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपना पैलेस छोड़ा था, जिसे ग्रेट रिनाउंसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, देन निर्वाणा, देन धर्मचक्र परिवर्तन, चक्र परिवर्तन। एंड देन परिनिर्वाणा। तो ये बुद्धा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो उनकी लाइफ में हुए थे। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। देन हमने देखे थे नोबल ट्रुथ्स। सोरो एंड डिज़ायर, जैसे बुद्धा की टीचिंग्स में उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी सोरो है उसका मेन कॉज क्या है, डिज़ायर्स। अगर हमने अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में कर लिया तो हम अपने सोरो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिज़ायर को कंट्रोल करने के लिए बुद्धा की टीचिंग्स में हमें 8-fold path देखने को मिलते हैं, जिसे फॉलो करके हम डिज़ायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। देन हमने काउंसल्स देखे थे, 1-6, पर जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से थे, 1, 2, 3 एंड 4, जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अगर आप PYQs भी देखेंगे तो इन चार जो काउंसिल्स है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए। फिर हमने त्रिपिटाका देखा था, सुट्टा पिटाका, विनय पिटाका, अभिनव पिटाका। फिर हमने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखे थे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हमने क्या देखा था, स्तूपा, चैत्यास, विहाराज। फिर हमने देखा था कि बुद्धिज्म का डिवीजन भी होता है, हीनयाना एंड महायाना में।
आफ्टर डेथ हमने देखा था डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये एक हमने रिवीजन काइंड ऑफ कर लिया कि हमने उस दिन उस डेमो सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पर बात करी थी। आज का जो टॉपिक है वो है जैनिज्म। तो हम थोड़ा सा जैनिज्म और बुद्धिज्म को कंपेयर कर लेते हैं। जिसे जैनिज्म है ऐसा कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट हेट्रोडॉक्स सेक्ट है। और ये कितना ओल्डेस्ट है, ये माना जाता है कि ये वैदिक रिलीजन के टाइम का है। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स थे। जो हमने 62 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स देखे थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें से बुद्धिज़्म एक है, जैनिज़्म एक है। तो बुद्धिज़्म हम पढ़ चुके हैं, और 62 में से जो जैनिज़्म है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, अब जैनिज्म में कॉन्सेप्ट होते हैं तीर्थंकर्स के। तीर्थंकर मतलब टीचर्स या मास्टर्स। तो जो फेमस तीर्थंकर्स है 1 to 24, जो 24 तीर्थंकर्स है, जिन्हें लास्ट तीर्थंकर भी बोलते हैं, वो थे महावीर। और ऐसा माना जाता है कि जो लास्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के, एंड जो बुद्धा थे, वो कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि जैनिज्म जो है वो ओल्डेस्ट है, या फिर जैनिज्म बहुत पुराना है। एटलीस्ट बुद्धिज्म से तो काफ़ी पुराना है, क्योंकि इनके लास्ट तीर्थंकर एंड बुद्धा, जो फर्स्ट जिन्होंने बुद्धिज्म की को स्टार्ट किया था वो है। तो महावीर और बुद्धा कंटेम्प्रेरी थे। जैनिज्म ओल्डेस्ट हेट्रोडॉक्स सेक्ट है। तो हम जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं अब। जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्डेस्ट हेट्रोडॉक्स सेक्ट है। कितना ओल्डेस्ट? एंशिएंट रिलीजन, वैदिक रिलीजन के टाइम पीरियड का है। ठीक है, देन हमने तीर्थंकर्स के बारे में देखा कि तीर्थंकर्स जैनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे टीचर्स। तो तीर्थंकर्स की टीचिंग्स से ही, तीर्थंकर्स जो टीचिंग्स प्रोवाइड करते हैं, उसी को जैनिज्म में कॉमन मासेस और जो संगा के लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं। देन जो फर्स्ट तीर्थंकर है वो कौन थे? ऋषभ देव। एंड जो लास्ट थे वो कौन थे? महावीर। ये हमने देखा। अब हम तीर्थंकर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैसे मैंने बताया कि ये इनके टीचर्स थे, जो एक लाइफ और बर्थ की साइकिल होती है। सारे लिविंग बीइंग को इस साइकिल से गो थ्रू करना होता है। तो जो बर्थ एंड डेथ की साइकिल है, उसको जो ये तीर्थंकर्स है वो उससे निकल गए होते हैं। तीर्थंकर्स के पास एक्सट्रीम पाथ्स फॉलो करते हैं इन्होंने। इनके पास बहुत नॉलेज होती है। ठीक है, और जो ये तीर्थंकर्स है ये एक पाथ बनाते हैं अपनी टीचिंग से, अपनी मेडिटेशन से, अपने सेल्फ डिसिप्लिन से एक पाथ बनाते हैं, और उस पाथ को कॉमन मासेस और जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं वो इस पाथ की हेल्प से अपना निर्वाणा, मोक्ष या फिर कैवल्य को अटेन करते हैं। ठीक है,
स्पिरिचुअल टीचर ऑफ धर्मा। तीर्थंकर्स कौन होते हैं? स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ धर्मा। देखिए, द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ ऑन देयर ओन, वो जो है डेथ और रीबर्थ की जो साइकिल है उसको उसको अटेन कर लिए होते हैं। एंड क्या करते हैं वो, दूसरों के लिए पाथ बनाते हैं जिससे वो कैवल्य, निर्वाणा या मोक्ष गेन कर सके। निर्वाणा जो है वो बुद्धिज्म में मोक्ष को कहते हैं, मोक्ष हिंदी में कहते हैं, एंड कैवल्य जो है वो जैनिज्म में कहते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं ब्रिज जिससे जो कॉमन मासेस है वो मोक्ष या लिबरेशन को गेन कर सके। समारा क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है समारा, वही कि बर्थ एंड डेथ, बर्थ या फिर रीबर्थ के जो साइकिल है। उससे बाहर निकल जाते हैं। तो जो तीर्थंकर्स थे वो बर्थ एंड रीबर्थ की जो साइकिल है उससे बाहर निकल गए थे और उनको मोक्ष गेन हुआ हो गया था, मोक्ष अटेन हो गया था। अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है कि जैसे हमने देखा कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। एंड लास्ट कौन थे? महावीर। पर ये जो 21st, 22nd एंड 23rd है ये भी इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इन्हें एक सिंबल दिया गया है, सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। जैसे ऋषभ है उनको बुल से किया है, महावीर है उनको लायन से किया है, नामीनाथ है उन्हें ब्लू लोटस से किया है, नीमीनाथ है उन्हें शंखरा से किया है, और जो पर्शवनाथ है उन्हें स्नेक से किया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, फर्स्ट एंड लास्ट तो है ही, पर 21st, 22nd एंड 23rd जो तीर्थंकर्स थे वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन हम जो लास्ट तीर्थंकर थे, 24th जो तीर्थंकर थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी मदर का नाम क्या था, फादर क्या नाम क्या था, उनका बर्थ प्लेस क्या था, लास्ट प्लेस जहाँ उनकी डेथ हुई थी वो क्या था, और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जैसे आपको पता होगा कि जो बुद्धा थे वो भी क्षत्रिय फैमिली से थे, और जो महावीर है वो भी क्षत्रिय फैमिली से थे। जो चार वर्णाज में सोसाइटी डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या एंड शूद्र, तो बुद्धा भी एंड महावीर भी दोनों क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, फिर हम महावीर की लाइफ के बारे में देखेंगे। उन्होंने जब वो 30 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था इन सर्च ऑफ ट्रुथ। उन्होंने 13 ईयर्स तक बहुत और नॉलेज गेन करने की कोशिश की, मेडिटेशन करी। ठीक है, और उन्हें आफ्टर 13 ईयर्स नॉलेज गेन हुई, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन हुई, जिससे उन्हें कैवल्य जना, जिसे जैनिज्म में कैवल्य जना कहते हैं। तो उन्हें आफ्टर 13 ईयर्स कैवल्य गेन हुआ। ठीक है, और वो उन्हें कहाँ हुआ था, कौन सी एज में होता? 42 ईयर्स की एज में होता, साल ट्री के नीचे हुआ था, और एक विलेज है जिरिम्बिंग ग्रामा विलेज, वहाँ पे हुआ था। और जब इन्हें 42 ईयर्स की एज में कैवल्य जन गेन हुआ था उसी के बाद इनको महावीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड 72 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है, कहाँ पे? पावा, जो राजगिरा के पास है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स हैं महावीर के जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, कि उन्होंने अपना घर का किस एज में छोड़ा, उन्हें कब निर्वाणा गेन हुआ या फिर कैवल्य गेन हुआ, एंड उनकी डेथ कब हुई। देन जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है, क्या मानते हैं जैनिज्म? तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और जो अनदर हेटरोडॉक्स सेक्ट्स थे वो किसके अगेंस्ट आए थे? ब्रह्मैनिकल ऑर्डर्स के अगेंस्ट आए थे, वेदास के अगेंस्ट आए थे। वैदिक रिचुअल के अगेंस्ट आए थे, वो रिजेक्ट करते थे वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स को। जो जैनिज्म है उसका जो मेन डॉक्ट्रिन है
वो ही अहिंसा है, नॉन वॉयलेंस है। उनका मानना होता है कि हर नॉन लिविंग थिंग को वैल्यू देनी चाहिए। बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोल, द बॉडी डाइज बट द सोल डज नॉट। जैनिज्म क्या मानता था कि बॉडी तो आफ्टर सर्टेन एज मर जाती है, बट जो सोल है वो माइग्रेट करती है एक लाइफ से दूसरी लाइफ में। जो जैनिज्म है वो क्या रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट दे प्लेस देम लोअर देन द जीना। जीना जो तीर्थंकर्स थे जिन्हें कैवल्य गेन हो जाता है, वो मानते हैं कि गॉड है बट वो जिना को पहले मानते हैं, रखते हैं एंड गॉड को बाद में। जैनिज्म डिड नॉट कंडेम द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्णा सिस्टम ऑफ द पीरियड। तो उस टाइम पे जो वर्णा सिस्टम था, चार जो वर्णाज में सोसाइटी डिवाइडेड थी, उसको वो कंडेम नहीं करते थे। जैनिज्म वर्णाज को, वर्णाज में बिलीव रखते थे, ठीक है। और वो जैसे सोसाइटी क्या मानती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या एंड शूद्रा, ठीक है। पर जो जैनिज्म है वो क्षत्रिय को ब्राह्मण से भी ऊपर रखते थे। मतलब वो मानते थे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्या एंड शूद्रा, वो इस वर्णा सिस्टम को डिनोट करते थे। और वो क्या मानते थे कि अगर कोई लोअर वर्णा में किसी का बॉर्न हुआ है, किसी का बर्थ हुआ है, तो वो उसके कर्मास के सिंस की पनिशमेंट है। मतलब उनको पनिशमेंट के इससे देखा जाता कि था कि वो लोअर वर्णा में उनका बर्थ हुआ है, ऐसा जैनिज्म की फिलॉसफी में माना जाता था या उनकी डॉक्ट्रिन में ऐसा माना जाता था। पर वो कभी भी किसी भी वर्णाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि जैनिज्म में सिर्फ क्षत्रिय या ब्राह्मण्स ही आ सकते हैं, इवन चंडालास भी आ सकते थे और ज्वाइन कर सकते थे। चंडाला क्या होता है, उस टाइम पे जो अनटचेबल्स होते थे उनको चंडालास कहते थे। तो जो जैनिज्म की फिलॉसफी है और जो उनका संघा था उसमें सारे वर्णास के लोग आ सकते थे, इवन चंडालास भी आ सकते थे जो अनटचेबल्स होते हैं, ठीक है। जैनिज्म क्या फॉलो करता है या क्या बिलीव करता है, कि हमें अगर हमें कैवल्य गेन करना है तो हमें मेडिटेशन करना होगा, हमें डिसिप्लिन में रहना होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ एनी रिचुअल फॉर एक्वायरिंग द लिबरेशन। जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स के खिलाफ ही हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स आए थे, और उन हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स में इन्होंने ट्राई किया था, चाहे जैनिज्म हो या फिर बुद्धिज्म हो, उन्होंने ट्राई किया था कि रिचुअल्स जो है वो मिनिमम हो जाए। तो जैनिज्म की भी ये फिलॉसफी है कि किसी रिचुअल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है लिब्रेशन को गेन करने के लिए। ये जो अदर फिलॉसफीज है जैनिज्म की, ये सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन में कभी आई ये फिलॉसफी किससे रिलेटेड है, तो आपको सिर्फ इसके नाम पता होना चाहिए। अनेकवाद, सयदवाद एंड नयावाद। अगर आप इसकी डिफरेंसेस देखेंगे तो ये थोड़े से डीप हो जाएंगे और क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आते, बट आप इसके नाम ज़रूर याद रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अनेकवाद किस फिलॉसफी से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो जैनिज्म से रिलेटेड है। देन देखते हैं थ्री ज्वेल्स ऑफ त्रिथंग, जैनिज्म में क्या क्या ज्वेल्स माने जाए थे, ठीक है। जो थ्री ज्वेल्स थे जैनिज्म के, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, ये आपको लर्न करना है। देन फाइव डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म है, इसी पे जैनिज्म की पूरी फिलॉसफी है। जैसे अहिंसा, नॉन इंजरी टू अ लिविंग बींग, अहिंसा में बहुत बिलीव रखते थे कि अगर कोई लिविंग बींग है
चाहे वो छोटा हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो या फिर वो ह्यूमन हो, सबकी लाइफ मैटर्स मैटर करती है। ऐसे नहीं है कि एनिमल की लाइफ मैटर नहीं करती और ह्यूमंस की लाइफ ही मैटर करती है, सबकी लाइफ मैटर करती है। इवन माइक्रो जो बैक्टीरिया है उसकी भी लाइफ मैटर करती है जर्नलिज्म में, ठीक है। देन सत्य सत्य अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य, ये जो फाइव फिलोसफीज है, फाइव डॉक्ट्रिन्स है, उसमें जैनिज्म बिलीव करता है कि नॉन इंजरी टू लिविंग बींग, डू नॉट स्पीक लाई कि झूठ नहीं बोलना है, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड ब्रह्मचर्या को फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम जैनिज्म के डॉक्ट्रिन के। तो जो जैनिज्म है वो चार तरीके से लिविंग बींग को देखता है, गॉड्स या गॉड, ह्यूमन, हेल बींग एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये स्लाइड में नहीं है, अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चार हिस्सों में बांटा था, फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था, गॉड, ह्यूमन, हेल बींग एंड एनिमल। अब एनिमल को भी इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, जिसके वन सेंस होते हैं और जिसके मोर देन वन सेंस होते हैं, ठीक है। अब जैसे एयर है, अर्थ है, वाटर, फायर, उन्होंने कहा था एयर में भी छोटे छोटे माइक्रो लिविंग बींग होते हैं, अर्थ में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, फायर में भी होते हैं। तो हमें, मतलब जो जैनिज्म को फॉलो करता है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चारों एयर, अर्थ, वाटर, फायर में कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान पहुंचे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो, ठीक है। इसीलिए जो है जैनिज्म है वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं। आपने देखा होगा कि जो जैनिज्म होता है वो रूटेड जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी कंज्यूम नहीं करते, जैसे अनियन एंड पटैटोज, कैरेट वगैरह भी वो कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे जो अर्थ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए हैं उनकी डेथ हो सकती है। वो हनी को यूज़ नहीं करते क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो जैनिज्म है वो काइंड ऑफ वीगन होते हैं, बट वो रूटेड वेजिटेबल्स भी नहीं खाते। मीट कंज्यूम नहीं करते। मीट कंज्यूम नहीं करने का क्या है, दो रीजंस है, एक तो है कि नेचुरल डेथ हुई है किसी एनिमल की और एक है किसी को हंट किया है। तो जो नेचुरल डेथ हुई है वो भी कंज्यूम नहीं कर सकते, हंटिंग तो प्रोहिबिटेड थी है ही जैनिज्म में, ठीक है। पर जैसे हम आगे चल के देखेंगे कि जो जैनिज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, श्वेतांबरम एंड दिगंबरम, ठीक है। तो जो श्वेतांबरम है वो तो कंज्यूम कर सकते हैं अगर नेचुरल डेथ हुई है किसी एनिमल की या फिर किसी इलनेस को क्योर करने के लिए हमें एनिमल मीट को कंज्यूम करना है। तो ये श्वेतांबरम जो है वो ये इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, मतलब वो करते हैं कि इलनेस के लिए वो मीट कंज्यूम कर सकते हैं या फिर अगर नेचुरली किसी की डेथ हुई है तो वो मीट कंज्यूम कर सकते हैं। पर जो दिगंबरम है वहाँ नेचुरल डेथ में भी वो मीट कंज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ ये प्रोहिबिटेड है पूरी तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जो दिगंबरम थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, श्वेतांबरम जो है उन्होंने कुछ कुछ न्यू फिलोसफीज अटेन की थी अकॉर्डिंग टू नेचर।
जो मॉन्क्स एंड नन्स थी जैनिज्म में, वो क्या है, नॉट डिग अर्थ, तो उनको ये फॉलो करना पड़ता था, इसलिए वो रूटेड वेजिटेबल्स भी कंज्यूम नहीं करते थे, क्योंकि इसमें माना जाता था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अर्थ के, उनको नुकसान होता है, उनको हार्म होता है या वो मर सकते हैं, अपने आप को फैन नहीं कर सकते, अपने आप को हवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अपने आप को फैन करेंगे तो जो एयर में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर मॉस्किटोज है या फिर हाउस फ्लाई है, उनको नुकसान हो सकता है, तो अपने आप को हवा भी नहीं कर सकते। उनको अलाउ नहीं था कि वो ग्रीन जो ग्रास है उस पे भी चले या फिर उस पे भी वॉक करे। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, वो किल हो सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। ठीक है, लेट मी ऐड हियर। और जैनिज्म में ना ऑक्यूपेशन के बारे में भी बताया कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस जो है वो फॉलो कर सकते हैं या फिर करना चाहिए उन्हें। वेट, आई विल रब दिस। ठीक है, तो जैनिज्म ने 6 तरह की, कि 6 तरीके की ऑक्यूपेशंस बताई है, कि 6 तरह की कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस होती है, जैसे गवर्निंग, राइटिंग, फार्मिंग, आर्ट, ट्रेड, क्राफ्ट, है ना, और हंटिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री तो ऐसा माना जाता है कि प्रोहिबिटेड ही है, क्योंकि हंटिंग में तो एक एनिमल को किल ही करेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। एनिमल हस्बेंड्री में भी जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है, तो इसलिए ये जो 2 ऑक्यूपेशंस हैं वो प्रोहिबिटेड है। जो ट्रेड है, ऐसा माना जाता है कि ट्रेड जो है उसमें सबसे कम, मिनिमम जो है वो किसी को नुकसान होता है या किसी को हार्म होता है, लिविंग बींग को, तो इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर मैक्सिमम जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं, वो बिजनेस कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर फार्मिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके जहाँ लिविंग बींग को हार्म होता है वो चीज़ वो अवॉइड करते हैं, वो ऑक्यूपेशन अवॉइड करते हैं जैनिज्म, तो इसलिए जो ट्रेड है, ट्रेड जैनिज्म में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो ऑक्यूपेशन है ट्रेड जो है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और लेट मी ऐड न्यू स्लाइड। जैसे जो डेथ होती है, अगर जैनिज्म में माना जाता है कि अगर कोई फास्टिंग या मेडिटेशन करते हुए अगर किसी की डेथ हुई है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ माना जाता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा एक किंग थे जो जैनिज्म को फॉलो करते थे और उन्होंने फास्टिंग करते हुए, मतलब वो फास्टिंग कर रहे थे कुछ टाइम के लिए और फिर उनकी डेथ हुई। बहुत फेमस किंग है एंड वो एक बहुत बड़ी डायनेस्टी के फाउंडर भी है। अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
देन देखते हैं पैट्रोनेज किस किस ने दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, यादवास एंड कालबेला डायनेस्टी। तो इन डायनेस्टी ने, इन किंग्स ने जो है पैट्रोनेज दिया था जैनिज्म को। देन जैन काउंसिल्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। प्रिसाइड किसने की थी? सुधभ्रा ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या हुई थी कि 12 अंगास टू रिप्लेस 14 पूर्वास। तो ये जो तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है किसी भी काउंसिल्स की, या तो आप टेबल बना लीजिए, टेबल फॉर्म में ज़्यादा ठीक रहेगा, कि फर्स्ट काउंसिल किस एज में हुई थी, कहाँ हुई थी एंड किसने प्रिसाइड किया था। एंड थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाइएगा कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट, उसके क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स थे। ठीक है, देन सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी में हुई थी, 512 AD में हुई थी। ठीक है, एंड प्रिसाइड किसने किया था? देवरधि। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि तो जी जो जैनिज्म है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दो सेक्ट्स बन गए थे, एक था दिगंबरम एंड एक था श्वेतंबरम। ये दो मेजर सेक्ट्स है। ठीक है, तो ये दो मेजर सेक्ट्स क्यों डिवाइड हुए? देखिए यहाँ पे मगध है, ठीक है, तो दिगंबरम श्वेतंबरम यहाँ पे पहले रहते थे, बट मगधा एरिया में 12 ईयर्स तक फेमाइन आया। ठीक है, तो जो दिगंबरम थे वो साउथ में चले गए एंड जो श्वेतंबरम है वो मगधा में ही रह गए। ठीक है, जो दिगंबरम है वो प्योर फॉर्म ऑफ जैनिज्म फॉलो करते हैं और श्वेतंबरम ने थोड़े थोड़े इनोवेशन लेके आए जैनिज्म को फॉलो करने के लिए। ठीक है, देखिए द डिवीजन अकर्ड मेनली ड्यू टू फेमाइन इन मगधा विच कंपेल्ड अ ग्रुप लेड बाय बहरबुदा टू मूव साउथ इंडिया। ड्यूरिंग द 12 ईयर्स फेमाइन द ग्रुप ऑफ साउथ इंडियंस स्टिक टू द स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस वाइल द ग्रुप ऑफ मगधा अडॉप्टेड द मोर लैक्स एटीट्यूड एंड स्टार्टेड वियरिंग क्लोथ वाइट क्लोथ्स। तो जो जैनिज्म है उसमें न्यूडिटी फॉलो होती है। ठीक है, मतलब वियरिंग ऑफ क्लोथ्स भी अच्छा नहीं माना जाता। तो जो श्वेतांबरम थे उन्होंने वाइट क्लोथ्स वेयर करना स्टार्ट कर दिया, पर जो दिगंबरम थे वो साउथ में जाके भी उन्होंने न्यूडिटी नहीं छोड़ी, वो फॉलो करते थे न्यूडिटी। जब फेमाइन खत्म हुआ और जब ये दिगंबरम वापस मगधा आए तो इन दो ग्रुप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। तो इन्होंने सोचा कि जो इस बिलीफ को फॉलो करते हैं, जो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं स्पेशली, उनको श्वेतंबरम कहेंगे और जो दिगंबरम है वो न्यूडिटी को ही फॉलो करेंगे। जो श्वेतंबरम के बारे में है, जैसे ये वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, ब्रह्मचर्य को ये फॉलो नहीं करते, जो 5 डॉक्ट्रीन थी, जो ज्वेल्स थे, डॉक्ट्रीन नॉट ज्वेल्स, ज्वेल्स 3 थे, तो उसमें जो लास्ट था वो ब्रह्मचर्य था। तो जो श्वेतंबरम है वो ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते। इसके मेजर सबसेक्ट्स भी हैं, मूर्ति पूजका, संथावासी एंड तेरापंथी, तेरापंथ। देन दिगंबरम, दिगंबरम जो थे वो ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं हमें, क्योंकि वो ओरिजिनल टीचिंग्स फॉलो करते हैं जैनिज्म के, वो न्यूडिटी फॉलो करते हैं, कंप्लीट न्यूडिटी। मेल मॉन्क्स डू नॉट वियर क्लोथ्स वाइल फीमेल वियर अनस्टिच प्लेन वाइट सारीज। ठीक है, और ये 5 के 5 वोव्स फॉलो करते हैं,
ब्रह्मचर्य भी जो है ये फॉलो करते हैं, बट ये क्या मानते हैं, दिगंबरम क्या मानते हैं कि जो विमेन है वो लिबरेशन गेन नहीं कर सकती, दिगंबरम ऐसा मानते हैं। और दिगंबरम से भी मानते हैं कि अगर कोई विमेन बॉर्न हुआ है तो वो क्यों हुआ है, एज अ विमेन अगर कोई बॉर्न हुआ है तो उसने कुछ ना कुछ सिन किया होगा अपनी प्रीवियस लाइफ में, इसलिए वो एज अ बॉर्न एज अ विमेन बॉर्न हुई है, तो ऐसा दिगंबरम मानते थे। ठीक है, इनके मेजर एंड माइनर सब्सेक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं यहाँ हमारा जो है वो जैनिज्म, वेट, हाँ यहाँ जो है हमारा जैनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फीचर्स थे हमने वो देखे, दिगंबरम एंड श्वेतंबरम से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, इन दोनों के डिफरेंसेस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे आज अभी कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में सिमिलैरिटीज क्या थी। हमें तो एक चीज़ तो हमें पता है कि ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अगेंस्ट आए थे, बुद्धिज्म भी एंड जैनिज्म भी, जो ये दो न्यू रिलीजन है वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स के अगेंस्ट ही आए थे। बोथ रिलीजन बिलीव इन फेथ एंड कर्मा। ठीक है, कर्मा में बिलीव करते थे, नॉन वॉयलेंस में बिलीव करते थे, दोनों जो दोनों रिलीजन थी उन्हें क्षत्रिय, जो क्षत्रिया वर्णा से बिलोंग करते थे उन्होंने स्टार्ट किया, वैदिक कल्चर के अगेंस्ट थे, वेदास के अगेंस्ट थे, रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, रिजिड रिचुअल और कॉस्टली रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, अपोज द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल क्योंकि नॉन वॉयलेंस को फॉलो करते थे, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो ये सारी जो थी वो सिमिलैरिटीज है बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब हम डिफरेंसेस देखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है। तो जैनिज्म जो है वो सोल में बिलीव रखता है, क्योंकि जैनिज्म क्या बोलता था कि ट्रांस माइग्रेशन होता है सोल का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब बर्थ एंड रीबर्थ की साइकिल चलती है, पर बुद्धिज्म जो है वो सोल में बिलीव नहीं करता। ठीक है, एक्सट्रीम अहिंसा को फॉलो करता है, मतलब जैनिज्म में जैसे हमने देखा था कि वो रूटेड वेजिटेबल्स भी नहीं खाते, वो अपने आप को फैन भी नहीं करते कि एयर में जो इंसेक्ट्स है, एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हार्म हो जाएगा, बट इतने एक्सट्रीम लेवल की जो प्रैक्टिसेस है वो बुद्धिज्म में फॉलो नहीं होता, वो थोड़े से लिबरल होते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रीम मेथड फॉलो करते हैं सेल्वेशन के लिए, जैसे ये डेथ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ मानते हैं अगर वो फास्टिंग और मेडिटेशन करते हुए अगर किसी की डेथ होती है तो। ठीक है, पर जो बुद्धा है उन्होंने मिडिल पाथ को चूज करने के लिए कहा था कि किसी भी एक्सट्रीम में जाने की नीड नहीं है, ना ही एक्सट्रीम में जाके सेल्वेशन गेन होगा और ना ही इतना हमें एक्सट्रीम जाना है कि हम सिर्फ लेविश लाइफ पे ही ध्यान दें। ठीक है, जो जैनिज्म है वो इंडिया में ही रह गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, पर जो बुद्धिज़्म है वो काफ़ी स्प्रेड हुआ। क्यों ऐसा हुआ होगा कि जैनिज़्म सिर्फ इंडिया में ही रहा और बुद्धिज़्म अक्रॉस बॉर्डर भी, अक्रॉस सी भी स्प्रेड हुआ? क्योंकि जो जैनिज़्म है वो थोड़ा हार्ड है, बुद्धिज़्म लेमैन को फॉलो करने में ईजी रहता है। अब ये हम आर्किटेक्चर देखेंगे जैनिज़्म की, जो आप ये स्टैचू देख रहे हैं उसके बारे में, गोमतेश्वर स्टैचू जो कर्नाटका में है। तो जब हम आर्किटेक्चर देखते हैं किसी भी रिलीजन का, अभी हमने बुद्धिज़्म देखा, जैनिज़्म देखा, हम हिंदुइज़्म भी देखेंगे, तो हम ट्राई क्या करेंगे, हम तीन चार मेन फैक्टर्स पे ध्यान देंगे
कि वो किसने बनाया है, कहाँ बना है, मटेरियल कौन सा यूज हुआ है एंड उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स, क्योंकि क्वेश्चंस है वो इसी से ही आएंगे। अगर कोई वो किसने बनाया है, कहाँ बनाया है, किस मटेरियल का यूज़ हुआ है और क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स थे। ठीक है, 57 फीट 17 मीटर हाई मोनोलिथिक स्टैचू। मोनोलिथिक मतलब एक ही स्टोन से उसे काव आउट करा है, एक स्टोन है उसी पे कार्विंग की है और उसी से एक स्टैचू बनाया है, मल्टीपल स्टोन्स यूज नहीं हुए हैं। किसने बनाया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किसने किया है ये ध्यान रखेंगे, गंगा डायनेस्टी के मिनिस्टर्स ने किया है, कमांडर ने किया है। सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट, वन ऑफ द टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू इन द वर्ल्ड। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है तो हम ये याद रखेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें हम अगर याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जैनिज्म में क्या फॉलो होता है, नॉन वायलेंस फॉलो होता है, सेक्रीफाइस फॉलो होती है वर्ल्डली अफेयर्स की, एंड सिंपल लिविंग फॉलो होती है। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें लर्न करें, क्योंकि ये हम नॉर्मली भी हमें पता है और हम पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ चुके हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कहाँ बना, किस मटीरियल से बना, किसने बनवाया और इम्पोर्टेंट फीचर, सिर्फ ये देखेंगे। अब देखते हैं जो 24th तीर्थंकर थे उनकी डेथ के बाद क्या हुआ। हेड ऑफ जैनिज्म आफ्टर महावीर वॉज सुधमन एंड जमुसवन, ठीक है, जो गिरनार है उसको जैन टेंपल सिटी भी कहते हैं। गुजरात में आपने देखा होगा कि गुजरात में ज़्यादा जैनिज्म फॉलो होता है, आपने देखा होगा गुजराती जो होते हैं मोस्टली, जर्नली मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, वो ट्रेड को फॉलो करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। महावीर किस वर्णा से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय, और लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं, प्राकृत। और जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब बुद्धा कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे। अब क्या क्या रीजंस थे जिससे जैनिज्म डिक्लाइन हुआ, हमने बुद्धिज्म का डिक्लाइन देखा था, अब जैनिज्म के क्या क्या डिक्लाइन हुए होंगे। जैसे लैक ऑफ रॉयल पेट्रोनेज, ये चीज़ हमने बुद्धिज्म में भी देखी थी कि ये प्रॉब्लम पेट्रोनेज डिक्लाइन की बुद्धिज्म में भी थी। इनिशियली सम रूलर्स लाइक बिम्बिसारा, उद्यानी, कारवेरा एंड अजातशत्रु फॉलोड एंड अडॉप्टेड जैनिज्म, कि जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे जब वो जैनिज्म को फॉलो करते थे तो उन्हें वो जैनिज्म में पेट्रोनेज भी देते थे, वो मनी भी देते थे, वो स्प्रेड भी करते थे। बट जब ये स्प्रेडिंग और मनी डिस्ट्रीब्यूशन कम हुई तो जैनिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम होने लगा। देन हमने देखा है कि जो जैनिज्म है वो कॉमन मासेस को फॉलो करने में डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल के वर्ल्डली सेक्रीफाइस करने के लिए कहते हैं, है ना। देन डिवीजन, दिगंबर एम एंड चित्वंबरम में स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि जैनिज्म बहुत ओल्डेस्ट हेट्रोडॉक्स है, बुद्धिज्म उस टाइम पे आया था 24th तीर्थंकर्स के टाइम पे, एंड बुद्धा ने की जो टीचिंग्स थी वो सिंपल थी, अडॉप्ट आसानी से हो सकती थी, तो इसलिए लोगों ने बुद्धिज्म को चूज किया जैनिज्म के बदले। एंड हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स आने लगे, तो जब हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स आए तो लोग हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स को छोड़ के वापस हिंदुइज्म में आने लगे, ठीक है। तो आज हमने अपनी जैनिज्म की जो क्लास है वो भी कंप्लीट करी।
तो दो डेमो सेशन में हमने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म दोनों कंप्लीट करे। इससे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो PYQs में भी है, एंशिएंट इंडिया में कुछ ही टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं हमें वो, क्योंकि एंशिएंट इंडिया भी काफ़ी वास्ट है, तो हमें स्मार्टली जो है वो अपने टॉपिक्स को चूज़ करना है और उससे क्वेश्चंस करने हैं PYQs को ध्यान में रखते हुए। तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हम ये ऐसा टॉपिक है कि हम इसे स्किप नहीं करके जा सकते। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट किसी सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। एंड जो जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।